गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज रिविजन स्टार्ट करेंगे और जो है हम लोग कोर्स तो कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले आज रिविजन में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। इसमें से 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको आने वाले हैं, तो आप लोग देखिए जरा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। अब इस पूरी बात को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो सिंपल सी बात होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी वो कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स मतलब होते हैं किसी भी इक्वेशन में ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट, ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट क्या कहलाएंगे बेटा? आपके वेरिएबल कहलाएंगे। तो मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा? ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। और वेरिएबल कितने होना चाहिए इक्वेशन के अंदर? 2, क्योंकि हमारी यूनिट जो है उसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आप देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि 2x + 3y = 4, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? एक लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे जो है वेरिएबल क्या क्या है? एक तो x और y क्या है यहां पर? वेरिएबल है। अब जो सिंगल नंबर है मतलब कि 4, उसे हम क्या कहेंगे? 4 इज कॉन्स्टेंट। 4 क्या है बेटा? आपका कॉन्स्टेंट है ना। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो हम कहेंगे उसको लीनियर इक्वेशन। मतलब पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे हमारी? पावर जो है वो होनी चाहिए 1। या फिर अंडरस्टूड है कि यदि पावर 1 नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए इक्वेशन, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो कितनी होगी? 1, ठीक है। और वेरिएबल की बात की मैंने, अब वेरिएबल में क्या होगा कि ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट आएंगे इक्वेशन के अंदर वो कहलाएंगे आपके वेरिएबल। तो ये हमारे वेरिएबल वाली बात भी हो गई। जो नंबर सिंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट कहेंगे। अब उसके बाद में एक बात और होती है, एक चीज होती है आपकी कोफिशिएंट। क्या होता है आपका? कोफिशिएंट। अब जैसे एक्स है, एक्स के पास क्या लिखा है? 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? 2 होगा। यहाँ पे एक और वेरिएबल क्या है? वाई। वाई के पास क्या लिखा है? तो कोफिशिएंट ऑफ वाई इज कितना है? 3। आ गई बात समझ में? तो ये हमने इक्वेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि इसका एक्स वाई वेरिएबल है, सिंगल नंबर हमारा कॉन्स्टेंट है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, एक्स के पास लिखा है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 3। यदि यहाँ पे माइनस होगा तो हम क्या बोलेंगे? -3, क्योंकि प्लस था तो हमने क्या बोला? प्लस का 3। तो इस प्रकार से हमारी जो है एक लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। और इसका एक जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। एग्जांपल तो आप देख ही चुके हो, तो इससे काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से होती है। अब जनरल फॉर्म का मतलब क्या? जैसे मान लो ax + by = c है ना, ये क्या है? इसका एक जनरल फॉर्म है, मतलब कि इस टाइप से इक्वेशन होती है। यहाँ पे भी क्या होंगे? एक्स वाई आर वेरिएबल, एक्स वाई क्या होंगे आपके? वेरिएबल होंगे, और ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या होंगे यहाँ पे? रियल नंबर होंगे, मतलब कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा यहाँ पे, जीरो कभी भी नहीं आएगा। अगली बात समझ लें, तो इस प्रकार से ये पूरी हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, हमने इसको समझ लिया। अब इतना होने के बाद अब इसके हम सम्स करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, लीनियर इक्वेशन के हर क्वेश्चन में आपको दो दो इक्वेशन दी जाएंगे,
और दोनों इक्वेशन में से आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या बोला मैंने, लीनियर इक्वेशन के हर क्वेश्चन में आपको दो दो इक्वेशन दी जाएंगी और उन दोनों इक्वेशन में से आपको जो है वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। अब वो वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक वेरिएबल जो है आपका वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अब दूसरी बात और कि जब आपको हर क्वेश्चन में दो दो इक्वेशन दी जाएंगी, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं तीन जो हमारे अभी फिलहाल कोर्स में है, ठीक है ना। एक मेथड है हमारी एलिमिनेशन मेथड और अगली मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक हमारी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और एक मेथड और होती है, जिसे देखा जाए तो आपके नॉलेज में बता रहा हूं मैं आपको, ग्राफिकल मेथड, है ना। तो अभी हमको ग्राफिकल मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन तीन मेथड में हमारा काम हो जाएगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मेथड किस काम आती है, तो मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चंस में दो दो इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों इक्वेशन में से आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन मेथड्स का हम यूज करेंगे और ये मेथड से अलग अलग तरीके से हम सवाल को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पहली मेथड देखते हैं इसकी आज, एलिमिनेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब जब आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेट करना या एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक बात का मतलब उनको पता होना चाहिए तभी क्लियर समझना है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या। सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया हर सवाल में दो इक्वेशन रहेंगी, दो वेरिएबल रहेंगे, तो एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, एक वेरिएबल को हटाना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। क्या बोला मैंने, एक वेरिएबल को रिमूव करना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालना। जैसे हम इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, फॉर एग्जांपल कि x plus y is equals to 8, x minus y is equals to 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन जब आएगा ना आपको ऐसा आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सिस्टम का मतलब क्या, कि एक तरीके से जमी हुई इक्वेशन को हम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो x वेरिएबल आ रहा है, फिर y वेरिएबल, फिर हमारा सिंगल नंबर, ठीक है ना। अब देखो आप इसको हम किस प्रकार करेंगे एलिमिनेशन से। मैंने आपको क्या बोला, दो वेरिएबल रहेंगे हर सवाल में, दो इक्वेशन रहेंगी, बिल्कुल रहे इसके अंदर भी। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो आप x को हटाओगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर y को हटाओगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम x को हटाना चाहते हैं या फिर y को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात, आप हमेशा कोशिश ये करो कि यदि सवाल में आपको एक साइन प्लस का मिल जाए और एक साइन माइनस का मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलेगा तो फिर हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मिल जाए हमको तो आप कोशिश करो कि उसी वेरिएबल को हटाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस y को हटाओ, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम कैसे एड करेंगे इसको, कि x plus y is equals to 8, x minus y is equals to 4, है ना, एड करेंगे इसको। और एड क्यों करेंगे, उसका भी रीजन, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसे हैं अपोजिट। तो आप कुछ बातें याद रखना बेटा, कि जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम उसको एड करके इजीली हटा सकते हैं, और ऐड करने के अंदर कभी भी साइन चेंज नहीं होते। और यदि आपके साइन सेम हो तब हम साइन को, सेम साइन वाले को हम कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। अपोजिट साइन जब रहेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब साइन सेम रहेंगे तो हम करेंगे माइनस, और माइनस करते वक्त हम साइन चेंज करते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे उसके भी, मगर मैंने अभी आपको क्या बोला, जब साइन अपोजिट होते हैं
तो उसको हम प्लस करके इजीली रिमूव कर सकते हैं और प्लस करने के अंदर कभी भी साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। डायरेक्ट कट जाएगी, y से y कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। x प्लस x कितने होंगे बेटा यहाँ पे 2x होंगे, 8 प्लस 4 कितने होंगे 12। अब लेफ्ट हैंड पे हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू चाहिए मतलब इस 2 को हमको यहाँ से हटाना है। अब जब लेफ्ट हैंड पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है और जब वो राइट हैंड पे जाएगा तो कहाँ पे आएगा डिवाइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड से उठकर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई का राइट हैंड पे जाके क्या होता है वो डिवाइड में आता है। तो फिर क्या होगा x बराबर 12 n 30 अपॉन में क्या जाएगा बेटा 2 2 1 2 6 12। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या मिली बेटा यहाँ पे 6 मिली। अब मुझे y की वैल्यू निकालना है, हमारे पास एक x था और एक y था, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो या फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में रखो और y की वैल्यू को निकाल लो, ये भी हम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपकी इच्छा हो तो आप x को रिमूव करो या आपकी इच्छा हो तो आप y को रिमूव करो, ये हम पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना हो तो आप उस वैल्यू जो आई है आपकी उसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करो, ठीक है। तो फर्स्ट में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस प्रकार हम वैल्यू पुट करेंगे किसी तरह, देखिए आप कि x plus y is equals to 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो इस x की जगह पे मैं कितना लिखूंगा 6 plus y is equals to 8, ठीक है। x की वैल्यू पुट अप कर दी मैंने, अब मुझे y की वैल्यू निकालना है तो इस 6 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 6 कैसा है प्लस का है और वो लेफ्ट हैंड पे है। अब प्लस की चीज जो लेफ्ट हैंड पे होता है नंबर वो राइट हैंड पे जाता है, साइन उसका चेंज हो क्या हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, तो y बराबर कितना बचेगा हमारा 2। अब हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है x plus y is equals to 8, x मतलब 6 y मतलब 2, 6 plus 2 कितने होते हैं बेटा 8। इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखा है x minus y is equals to 4, x मतलब कितना 6, 6 minus 2 कितने होते हैं 4, तो हमने चेक भी कर लिया मतलब हमारा सवाल एकदम सही है। तो इस प्रकार जो है हमारी एलिमिनेशन मेथड होगी, ठीक है। देखिए यार इसको